और टुडेस टॉपिक इज कैरेक्टर स्केच ऑफ इयागो। इयागो जो कि विलन है इस ड्रामा का, तो स्टार्ट करते हैं। इयागो इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ विलनी, विकेडनेस एंड इविल माइंडेडनेस। अब इयागो जो है ना वो बहुत बड़ा शैतान होता है, उसके अंदर तमाम बुराइयां पाई जाती हैं। ब्रैडली रिमार्क डैट इविल हैज़ नो वेयर बीन पोर्ट्रेड विद सच मास्टरी एज इन द करेक्टर ऑफ इयागो। अब ब्रैडली कहता है कि किसी भी करेक्टर में जो ना इतनी ज़्यादा बदी नहीं पाई जाती जितनी कि शेक्सपियर के इयागो में पाई जाती है। रिचर्ड थ्री द एडमंड पेल इन टू इनसिग्निफिकेंस बिफोर दिस मॉन्स्टर ऑफ विलनी। और ये लोग जो है ना वो भी इसकी जो है विलनी की गवाही देते हैं कि वो बहुत बड़ा जो है शैतान है। द नियरेस्ट अप्रोच टू इयागोज़ इविल माइंडेडनेस इज फर्निश्ड बाय गॉथिस मेफिस्टोफिलिस। अब अगर मेफिस्टोफिलिस जो है ना वो भी एक शैतान है, तो इसको जो है ना ये उसके करीब करीब है। इवन मिल्टन सैटन इज नॉट एज विकेड एंड मेलिग्नेंट एज इयागो। हालांकि अगर देखा जाए जो पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन का जो सैटन था ना वो भी इतना बद नहीं होगा जितना कि इयागो है। बट इयागो इज विदाउट एनी फीलिंग ऑफ पिटी एंड सिंपथी फॉर हिज विक्टिम्स एंड इज नॉट गवर्न्ड बाय फीलिंग्स ऑफ कंपंक्शन। अब इयागो जो है ना इसके अंदर बिल्कुल भी हमदर्दी या बिल्कुल भी तर्स नहीं पाया जाता, और ना ही ये अपने किए पे कभी पछताता है। ही कैन नॉट बियर द साइट ऑफ हैप्पी पर्सन। वो किसी को भी खुश नहीं देख सकता, एंड इट इज़ हिज इंटेंशन टू स्पेल रॉइन इन देयर लाइफ। और इसका एक ही मकसद होता है कि दूसरों की ज़िंदगी में जो है दूसरों की ज़िंदगी को तबाह कर दे। व्हेन इयागो फाइंड्स ओथेलो एंड डेस्टिमोना हैप्पी एट देयर यूनियन आफ्टर द स्टॉर्म। अब जब इयागो को पता चलता है ना कि तूफान के बाद डेस्टिमोना और ओथेलो जो है ना इकट्ठे खुश रह रहे हैं, एक हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, द फर्स्ट वर्ड दैट कम आउट ऑफ हिज लिप्स शो his wickedness and evil minded nature। तो उसके मुंह से जो है ना उसके होंठों से ये अल्फाज निकल आते हैं जिसे पता चलता है कि वो कितना बड़ा जो है विकेट है। ओ यू आर वेल टर्न नाउ, अच्छा अब तुम लोग ठीक हो गए हो, बट आई विल सेट डाउन द पेग्स डैट मेक द दिस म्यूजिक एज ऑनेस्ट एज आई एम। कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं कितना बड़ा ईमानदार हूँ, अब देखना मैं तुम्हारे लिए कैसे जो है शिकार डालता हूँ। इयागो रिवेल्स इन डिस्ट्रक्शन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज नेचर ब्रिंग्स अबाउट नेचर टू ब्रिंग अबाउट ऑन द रैक एंड स्ट्रिंग दैम टू फाइसली डैट दे मे श्रिक एंड फाइन इन ग्रीफ। अब इयागो जो है ना उसका मकसद दूसरों की तबाही होता है, और वो जो है अब उसका एक ही मकसद होता है कि वो जो है उनकी ज़िंदगी में गमों को या दुखों को तकलीफ़ों को ला करेगा। ही इज़ अ सरपेंट लाइक करैक्टर, एक सरपेंट की तरह का करैक्टर है वो इयागो। इज़ विकेड इविल माइंडेड एंड विलेनियस इन सेवरल वेज। और वो एक काफ़ी तरह से यानी वो जो है ना शैतानी करैक्टर होता है। इट इज़ हिज करैक्टर एंड एक्टिविटीज़ डैट प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ विलेनी इन द ड्रामा। अभी उसके जो करैक्टर्स और जो उसकी एक्टिविटीज़ है ना इस ड्रामा में, उनसे पता चलता है कि वो कितना बड़ा और कितना इंटरेस्टिंग टाइप का विलेन है। इयागो इज़ अ सेल्फ सीकिंग सेल्फ एग्रेंजेंडिंग विलेन हु केयर्स मोर फॉर हिज ओन गुड देन फॉर एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। इयागो जो है ना एक सेल्फ सीकिंग पर्सन होता है, और उसको जो है अपने इस दुनिया में रहते हुए जो है अपने से ज़्यादा कोई भी अजीज़ नहीं होता है। इयागो इज़ एंग्री विद ओथेलो एंड कैशियो। उसको जो है ना ओथेलो पे और कैशियो दोनों पे गुस्सा होता है, पॉसिबली बिकॉज द मोर हैज़ चूजन कैशियो एज हिज लेफ्टिनेंट एंड हैज द बाईपास्ट इयागो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन हिज इंसाइन। अब क्या है कि ओथेलो जो है ना वो अपने वज़ीर के तौर पे ना कैशियो को चूज़ कर लेते हैं, जो कि जिसके हालांकि जो इयागो होता है ना वो उम्मीदवार होता है कि उसको जो है चूज़ किया जाएगा क्योंकि वो उसका बहुत करीबी सर्वेंट है। लेकिन इयागो जब वो कैशियो को चूज़ करता है तो वो उन दोनों के खिलाफ ग्रज पाल लेता है, बुगस पाल लेता है, पॉसिबली बिकॉज द मोर हैज़ चूजन कैशियो हैज़ लेफ्टिनेंट एंड बाईपास्ट इयागो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इज इंसाइन। दिस इज़ हिज ग्रज अगेंस्ट ओथेलो एंड कैशियो एंड इट बिकम्स द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ हिज लाइफ टू रियून दैम बोथ एंड ऑल दोज हु आर कॉन्टेक्टेड विद दैम। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद ये होता है कि उसने इन दोनों की ज़िंदगी को तबाह करना है, और इन दोनों की ज़िंदगी से जो जो लोग जुड़े हैं उन सबको भी जो है ना तबाह कर देना है। इनोसेंट डेस्टिमोना आल्सो सफर्स बिकॉज शी इज़ द वाइफ ऑफ ओथेलो। अब मासूम डेस्टिमोना जो होती है क्योंकि वो ओथेलो की वाइफ होती है इसलिए उसको भी सफ़र करना पड़ता है। एंड द हैप्पीनेस ऑफ ओथेलो कैन नॉट बी रूइंड विदाउट सफरिंग ऑफ डेस्टिमोना। और वो कहता है कि जब तक डेस्टिमोना को मैं तबाह नहीं करूँगा ना तब तक ओथेलो भी मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सकता। इयागो इंप्लॉयज ऑल काइंड ऑफ बेस लो एंड इग्नोबल मेथड्स फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ हिज इविल डिज़ाइन। अब वो अपनी साजिश को पूरा करने के लिए तमाम जो चालें होती हैं ना वो चल पड़ता है, चलाता है। इयागो इंप्लॉयज रोड्रिगो एज इज मेन टूल ऑफ एक्शन। अब वो जो है ना रोड्रिगो को जो है ना हायर करता है अपने काम में हेल्प के लिए। ही प्रोफेसेस फ्रेंडशिप टू रोड्रिगो। अब रोड्रिगो से जो है ना वो दोस्ती बना लेते हैं, बट इज़ नॉट ऑल एट ऑल सिंसियर टू हिम। लेकिन वो मुखलिस नहीं होता, सिर्फ वो उसको इस्तेमाल करना चाह रहा होता है। ही सिंपली मेक्स हिज एजेंट फॉर सप्लाइंग हिम विद मनी। वो उसको सिर्फ अपना एजेंट बनाता है कि वो उसको जो है पैसे देगा। इयागो मल्चिस रोड्रिगो एंड डिल्यूड्स हिम विद फॉल्स होप ऑफ विनिंग डेस्टिमोना फॉर हिज सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन। अब इयागो उसको इस बात का लालच देता है रोड्रिगो को कि अगर वो उसकी उस काम में मदद करता है तो वो उसको जो है ना उसकी सेक्शुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, सेक्शुअल प्लेजर के लिए जो डेस्टिमोना प्रोवाइड करेगा।
When Rodrigo fails to serve his purpose, he stabs him and brings about the end of the man who had all through been his benefactor and supplier of money. अब जब वो ऐसा करने में नाकाम हो जाता है तो वो उससे जो है ना उसको मारता है और उससे जो है सारी पैसे वगैरह भी छीन लेता है. Iago is what he is not. At an earlier stage, he had stated, I am not what I am. वो उसने बहुत पहले ही जो है ना ड्रामा के स्टार्ट में कहा था कि मैं वो नहीं हूँ जो तुमको नजर आ रहा हूँ. इन द एक्ट वन ऑफ द प्ले आगो प्रोफेसेस डिवोशन टू ओथेलो एंड एड्रेसेस हिम एज माय लॉर्ड. अब स्टार्ट में जो है ना वो एक्ट वन में बड़ी खुशामद करता है ओथेलो की और उसे जो है कभी माय लॉर्ड कह के बुला रहा होता है, इस तरह के जो है ना अलकाबा देता है. ही इज अपेरेंटली ओथेलो इज मोस्ट ड्यूटीफुल इंसान. और ओथेलो को ये लगता है कि उसका जो है ना बहुत ही सिंसियर मुलाजिम है, बट एक्चुअली हिज रोल इज डिफरेंट. लेकिन असल में वो कुछ और ही होता है. टू रोड्रिगो ही सेज इन फॉलोइंग हिम आई फॉलो बट माई सेल्फ, हेवन इज माई जज, नॉट आई फॉर लव एंड ड्यूटी बट सीमिंग सो फॉर माई पिकुलियर एंड. इस इज यागोज विलेनी एंड इवल माइंडेडनेस आउटवर्डली ही इज़ द मोस्ट ओबीडियंट. अब ये यागो की शैतानी ही होती है कि जो है ना वो उसको जो है एक बहुत ही ओबीडियंट सर्वेंट बन के दिखा रहा होता है, सर्वाइल सर्वेंट जो कि बहुत ज़्यादा हम्बल होता है ओथेलो. बट एट हार्ट ही इज़ द मोस्ट इनसिंसियर एंड फेथफुल टू हिम. लेकिन असल में वो बहुत ही बेईमान होता है और बहुत ही गैर मुखलिस होता है. He incites Rodrigo to tease Othello and let him not enjoy his life of love with Desdemona. वो Rodrigo को जो है ना इस बात पर उकसाता है कि वो Othello को तंग करे, उसको अपनी ज़िंदगी को enjoy ना करने दे Desdemona के साथ. Plague him with the flies, so that his joy be joy, yet throw such changes of vexation on it as it may lose some color. After some time, Iago again uses Rodrigo with the hope of winning Desdemona and so asks him to follow him to Cyprus with money in his pocket. और कुछ वक्त के बाद क्या होता है कि जो यागो होता है ना दोबारा रोड्रिगस को जो है रोड्रिगो को इस्तेमाल करता है उम्मीद के साथ कि वो उसको Desdemona को दिलवा देगा और जो है ना उसकी एंड आल्सो आस्क हिम टू फॉलो हिम टू साइप्रस विद मनी इन हिज पॉकेट. और उसके पैसों के बारे में भी बातचीत करता है. ही मेक्स अ प्लान ऑफ टेकिंग रिवेंज अगेंस्ट ओथेलो. अब वो कहता है कि हम मिलके जो है ना ओथेलो से बदला लेंगे. देयर कॉमन एनिमी जो कि हम दोनों का ही दुश्मन है. हिज प्लान एट एंड ऑफ फर्स्ट एक्ट रिवील्स हिज विलेनी एंड विकेडनेस ऑफ करेक्टर. हाउ लेट अस सी आफ्टर सम टाइम्स टू अब्यूज ओथेलो योर डेट ही कैशो इज टू फेमिलियर विद हिज वाइफ ही डेट हैथ अ पर्सन एंड मोर डिस्पोज टू बी सस्पेक्टेड फ्रेम्ड टू मेक वुमेन फॉल्स. फिर इसके बाद एक्ट टू में क्या कहता है वो एक्ट टू की बात कर लेते हैं. देन इन एक्ट टू हिज विलेनी इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट कैशियो. अब जो है ना वो इस एक्ट टू में आके वो अपने जो इवल प्लान्स होते हैं ना वो कैशियो के खिलाफ बनाता है. हुम ही डिनाउंसिस एज अ पेस्टिलेंट नेव. थो कैशियो टू ड्रिंक वाइन एंड इंसाइट्स रोड्रिगो टू क्वेल विद कैशियो ऑन ड्यूटी विद एंड अपग्रेड हिज डिसिप्लिन. अब वो कैशियो को जो है ना शराब पीने के लिए बुलाता है और रोड्रिगो को जो है ना कहता है कि तुमने ना उसके साथ एक झगड़ा करना है ताकि उसको जो है हम उसकी नौकरी से निकलवा सकें. हिज विलेनियस प्लान सक्सीड. उसका जो बुरा प्लान होता है वो कामयाब हो जाता है. यागो मैनेज टू गेट ओथेलो ऑन द सीन. अब जब उन दोनों का झगड़ा हो रहा था तो ओथेलो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको झगड़ते हुए देख लेता है एंड प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ कैशियोज गिल्ट इन सच अ सबटल क्लेविश फैशन डैट ओथेलो डिसमिसेस कैशियो एंड कैशियो नो मोर रिमेंस लिफ्टिनेंट. अब क्या है जब ओथेलो ये सारा सीन देखते हैं ना तो यागो उसको बताता है कि इसने शराब और शराब पी के जो ना नशे में उससे झगड़ा कर रहा है. तो ओथेलो गुस्से में उसको डिसमिस कर देता है, उसको लिफ्ट जो है ना उसके ओहदे से उतार देता है जो कि यागो की असल ख्वाहिश होती है. यागोज विकेडनेस एंड विलेनियस प्लॉटिंग ब्रिंग्स अबाउट ह्यूमिलेशन एंड डिसग्रेस ऑफ कैशियो. उसका मकसद ही ये था कि वो उसकी जो है ना उससे उसका मुकाम और उसकी इज्जत जो है वो कैशियो की छीन ले. हिज अराइवल इन ऑफिस ऑफ लिफ्टिनेंट एंड टू द सर्टिफिकेशन ऑफ यागो कैशियो इज सेक्ड एज लिफ्टिनेंट. और जो है ना क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ जो था वो लिफ्टिनेंट जो था मुकर्रर किया गया था. यागोज विलेनी एंड विकेडनेस डू नॉट सफर अ हैट बट एडवांस फर्दर हिज टाइम्स विद ग्रेटर फोर्स एंड स्ट्रेंथ. अब यागो की जो विलेनी और विकेडनेस होती है ना वो इतना ज़्यादा वो मजीद जो है आगे बढ़ती जाती है जैसे जैसे वक्त गुजरता है. यागो कंसोल्स कैशियो एंड एडवाइजेस हिम टू अप्रोच Desdemona. अब यागो जो है ना कैशियो के पास जाता है उसे कहता है कि ना तुम ऐसा करो कि तुम ना Desdemona के पास जाओ और उसको जाके कहो कि अपने हस्बैंड को जो ना एग्री करे. रिक्वेस्टिंग हर टू प्लीड हिज केस विद हर हस्बैंड कैशियो इज एडमोनिश्ड टू गो स्ट्रेट वे टू द जनरल्स वाइफ फॉर शी इज सो फ्री सो काइंड एंड सो एप्ट सो ब्लेस्ड आर डिस्पोजिशन शी होल्ड्स इट इज़ वाइज इन हर गुडनेस नॉट टू डू मोर देन शी इज रिक्वेस्टेड. फिर वहाँ पर जाकर उसे दरख्वास्त करता है कैशियो के ना आपने अपने हस्बैंड से बात करें कि वह दोबारा मुझे लिफ्टिनेंट मुकर्रर कर लें. इन द मीन टाइम यागो मीट्स ओथेलो. उसी वक्त में यागो जो है यागो की मुलाकात ओथेलो के साथ होती है एंड ब्रिंग्स हिम टू द प्लेस वेयर ही फाइंड्स कैशियो सोलिस्टिंग हिज वाइफ.
अब क्या है कि उसी वक्त में वो ओथेलो को जो है ना ले आता है कि ये देखो कैशो जो है ना वो तुम्हारी बीवी के साथ मुलाकात कर रहा है, या वो इम्प्लॉयज विद दिस ओकेजन टू इंस्टिल द पॉइजन ऑफ जेलेसी। तो ये इसकी वजह से वो उसके दिल में उसके दिमाग में जो है जेलेसी का जहर भर देता है इन ओथेलोज माइंड, या वो पॉइजन सा माइंड ऑफ ओथेलो अगेंस्ट डेसिमोना एंड कैशियो, और उसके जहन में ना उन दोनों के खिलाफ जो है ना एक ग्रज बैठ जाता है, एक हसद बैठ जाता है। यागो मैनेज टू गेट डेस्टिमोनास हैंड कर्चीफ थ्रू हिज वाइफ एमिलिया। फिर वो एक रुमाल का इस्तेमाल करता है जो कि उसने अपनी बीवी के जरिए एमिलिया के जरिए हासिल किया होता है यागो ने। वो एट हिज कमांड स्टील्स द हैंड कर्चीफ, वो अपनी बीवी एमिलिया से कहता है कि वो जो डेस्टिमोना का रुमाल है ना उसको चोरी करके लाए। यागो मेक्स कैपिटल आउट ऑफ दिस हैंड कर्चीफ और उसका फिर इस्तेमाल करता है। यागो फैब्रिकेट्स मॉन्स्ट्रस लाइट lies to inside jealousy in Othello's mind. फिर वो इसको रुमाल को भी जो है jealousy को जो है उसके mind में create करने के लिए इस्तेमाल करता है। And brings Othello round to the place where he can hear him talking to Cassio about Desdemona. और फिर वो जो है दोबारा उसको उसी जगह पे ले आता है जहाँ पे Cassio की Desdemona की बातचीत हो रही होती है। अगर प्लान सक्सीड्स वेरी वेल एंड मोर गेट्स रेडी टू किल Desdemona, यागो का जो प्लान होता है वो कामयाब हो जाता है और जो मोर जो Othello होता है ना वो उसको कत्ल करने के लिए Desdemona को कत्ल करने के लिए भी रेडी हो जाता है। ही सेज टू इट नॉट विद पॉइजन स्ट्रेंगल हर इन हर बैड इवन द बैड शी हैथ कॉन्टेमिनेटेड। दिस इज़ नथिंग बट शेयर विलनी ऑफ यागो, ये कुछ भी नहीं होता सिर्फ और सिर्फ यागो की साजिशें होती हैं जो कि उन दोनों की ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं। यागो इज़ वेरी अनस्क्रपुलस देयर फॉर ही एडवाइजेज रोड्रिगो टू मर्डर Cassio एंड अ लेटर स्टेज यागो हिमसेल्फ स्टैब्स रोड्रिगो टू डेथ व्हेन शी फाइंड्स द फूल ऑफ नो फर्दर यूज़ ऑफ हिम। यागो जो है ना वो क्या करता है कि रोड्रिगो को नसीहत करता है कि वो Cassio को कत्ल कर दे, लेकिन बाद में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो खुद जो है ना रोड्रिगो को मार देता है। द विलेन ऑफ यागो इज प्रिसिपिटेबल इन हिज रिमार्क्स, नाउ वेदर ही किल Cassio और Cassio हिम और ईच डू किल द अदर ईच वे मेक्स माई गेन। वो कहता है कि यानी Cassio मरे या Othello यानी कोई भी मरे किसी की भी तबाही हो ना तो मेरा जो प्लान है ना वो तो मुझे तो तसल्ली होगी, मुझे सर्टिफिकेशन मिलेगी। सिंस Cassio इज़ नॉट किल्ड, Cassio तो नहीं मारा जाता, यागो हिमसेल्फ किल्स रोड्रिगो एंड सीक्रेटली हिट्स Cassio एट द लेग। अब वो रोड्रिगो को कत्ल कर देते हैं और Cassio की जो है ना वो लेग पे जो है उसकी गोली लगती है सो हार्ड डैट ही इज मेम्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ और सारी जिंदगी के लिए वो लंगड़ा हो जाता है। एंड द विलनी लाइज इन फैक्ट इन द फैक्ट डैट आफ्टर डूइंग ऑल दिस ही कम्स टू बी फ्रेंड ऑफ Cassio। अब ये सारा कुछ करने के बाद भी वो ये दावा करता है कि वो Cassio का दोस्त है। लेटर ऑन यागो स्टैब्स हिज वाइफ एमिलिया टू डेथ व्हेन शी रिवील्स हिज गिल्ट टू लोडोविको एंड Othello, और बाद में वो अपनी बीवी एमिलिया को भी मार देता है जब वो सारा सच Othello को लोडोविको को बता देती है कि ये सारी साजिशें जो थी वो मेरे हस्बैंड की हुई थी। यागो इज़ अल्टीमेटली एक्सपोज एंड ऑल हिज एक्ट्स ऑफ विलनी और रिवील टू लोडोविको एंड Othello। अब यागो जो के जो जितने भी प्लान्स होते हैं ना वो लोडोविको और Othello को पता चल जाते हैं। Othello इज़ कम्प्लीटली डिसल्यूजन्स एंड ही फाइंड्स हिज ऑनेस्ट यागो एज अ परफेक्ट विलन, और तब जाके यागो को Othello को पता चलता है कि वो कितना बड़ा जो है वो शैतान था। लोडोविको रिगार्ड्स यागो एज अ स्पॉट एंड डॉग मोर फेल देन एंग्विश हंगर और द सी। यागो इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्चर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। लोडोविको लीव्स अपॉन Cassio द चार्ज ऑफ टॉर्मेंटिंग एंड टॉर्चरिंग यागो। अब यागो जो है ना सारी जिंदगी के लिए अपनी सजाएं भुगतता है। टू यू लॉर्ड गवर्नर रिमेन्स सेंचर ऑफ हिज हेलिश विलन द टाइम द प्लेस द टॉर्चर यागोज एक्टिविटीज प्लॉटिंग एंड मिस डिमेन्यूर्स प्रोवाइड एन इंटरेस्टिंग स्टडी ऑफ विलनी इन द प्ले। अब उसके जितने भी प्लान्स हैं उसके जितनी भी टेक्निक्स उसने यूज़ की हैं ना दूसरों की जिंदगी खराब करने के लिए उन सबसे पता चलता है कि वो कितना बड़ा विलन था।